सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर DSSBK द्वारा कौन सा मोस्ट अर्जेंट नोटिस है जो कि रिलीज किया गया है आज की ही डेट में 25/11/2021 यानी आज शाम को ये अपडेट दी गई है। तो फ्रेंड्स आइए हम चेक कर लेते हैं क्या अपडेट है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं मोस्ट अर्जेंट नोटिस है ये DSSBK द्वारा, इसे आज शाम को जारी किया गया है और इसमें ड्राफ्ट आंसर कीज को रिलीज किया गया है जो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किए गए थे उनकी आंसर की रिलीज की जा चुकी है। तो कौन कौन से वो एग्जाम थे ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिएगा फ्रेंड्स नेम ऑफ द पोस्ट आपके दिए गए हैं, पोस्ट कोड आपके इस कॉलम में रहेंगे और ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट जिस डेट को किया गया था ये डेट सब मेंशन कर दी गई है। तो फ्रेंड्स सीरियल नंबर फर्स्ट में आप देख सकते हैं जूनियर क्लर्क आपका पोस्ट का नेम है, पोस्ट कोड है 13/20 और एग्जाम कंडक्ट किए गए थे ये डेट आपकी यहाँ मेंशन कर दी गई है 9/11/12/13/15/16/17। तो ये एग्जाम आपका इन डेट्स को नवंबर में ही कंडक्ट किया गया था। सेकंड नंबर पर है आपका टेक्निकल असिस्टेंट इंटीरियर डिजाइन, पोस्ट कोड है 5/20। थर्ड नंबर पर है टेक्निकल असिस्टेंट मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पोस्ट कोड है 8/21 और ये दोनों ही एग्जाम आपके कंडक्ट किए गए थे 16/11/2021 को। फोर्थ नंबर पर है फ्रेंड्स टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, पोस्ट कोड है आपका 10/21 और ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था 17/11/2021 को। और नेक्स्ट है आपका फार्मासिस्ट का, पोस्ट कोड है 9/20। सिक्स नंबर पर है टेक्निकल असिस्टेंट प्लास्टिक्स, पोस्ट कोड है 11/21। सेवंथ नंबर पर है टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ, पोस्ट कोड है 1/21 और ये तीनों ही एग्जाम आपके कंडक्ट किए गए थे 18/11/2021 को। तो फ्रेंड्स ये सारे एग्जाम जिस जिस डेट में कंडक्ट किए गए थे इसके बारे में ये मोस्ट अर्जेंट नोटिस है, क्योंकि फ्रेंड्स इस अर्जेंट नोटिस में कहा गया है कि कैंडिडेट्स हु हैड अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर द अबव सेड पोस्ट ऑन द सेड डेट्स मे व्यू द ड्राफ्ट आंसर कीज एंड फाइल ऑब्जेक्शंस। आप अपनी आंसर की को भी देख सकते हैं और ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं अगर आप आंसर की से सेटिस्फाई नहीं है और आपको लगता है कि यहाँ पर आंसर्स रॉन्ग दिए गए हैं और आपके पास कोई वैलिड प्रूफ भी है, तो फ्रेंड्स आप लोग ऑब्जेक्शन भी फाइल कर सकते हैं। वो आप किस तरह से करेंगे और कब से कब तक करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए जो ऑब्जेक्शन फाइल करने का लिंक है आपका ये अवेलेबल रहेगा 25/11/2021 से लेकर के 29/29/2021 तक। एंड ऑब्जेक्शन फाइल करने का लिंक वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड कराया गया है, आइए पहले उसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बाकी की जो भी अपडेट आज शाम को DSSBK के द्वारा जारी की गई है, जितने भी रिजल्ट्स आए हैं, जो भी लेटेस्ट अपडेट है, वो सब हम आपके साथ एक एक करके शेयर करेंगे। पहले ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करते हैं उसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं DSSBK की ऑफिशियल वेबसाइट को इस समय पर हमने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट लिंक फॉर ऑनलाइन एग्जाम हेल्ड फ्रॉम 9 to 18 November 2021। तो फ्रेंड्स यहाँ इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और फिर ओके को आपको प्रेस कर देना है। इस तरह से ये कैंडिडेट लॉगिन वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आप डाल दीजिएगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो कि आपको पूरे डिजिट्स में स्लैश डालकर ही अच्छे से डालनी है और आप लॉगिन कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो लॉगिन करने के बाद आप ऑब्जेक्शन यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आइए अब हम सेकंड नोटिस देख लेते हैं, ये भी आज के ही डेट का है और ये नोटिस है हमारा PGT इंग्लिश मेल, पोस्ट कोड 25/20, अपलोडिंग e-dossier के रिगार्डिंग ये नोटिस दिया गया है। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स के रोल नंबर मेंशन कर दिए गए हैं और साथ में इनके डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड है ये रिमार्क्स में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो रोल नंबर यहाँ है और इसके सामने रिमार्क्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे गए हैं रिक्वायर्ड, इन डॉक्यूमेंट्स को e-dossier में आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आपके रोल नंबर के ठीक सामने ये रिमार्क्स में आपके डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो बता दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं टोटली यहाँ पर 18 कैंडिडेट हैं। इन 18 कैंडिडेट्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई है
29 नवंबर 2021 से लेकर के 8 दिसंबर 2021 तक 10 डेज का आपको ये पीरियड दिया गया है। ई डोजियर का लिंक आपका तभी तक एक्टिव रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग 8 दिसंबर 2021 तक आपके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको जल्द से जल्द अपने ई डोजियर में अपलोड कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट नोटिस आप देखिएगा 25/11/2021 का आज की डेट का है और नोटिस नंबर है 1406 सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट डॉक्यूमेंट्स अंडर पोस्ट कोड आपका है 57/20। ठीक है फ्रेंड्स, आपकी इस पोस्ट कोड के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज थी 5, जिनमें से की 4 जनरल की वैकेंसीज थी, 1 ओबीसी की थी। और ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया गया था 18 सितंबर 2021 को इसे कंडक्ट किया गया था। और फ्रेंड्स, ये एग्जाम आपका 102 कैंडिडेट ने दिया था, जिसमें कि 16 कैंडिडेट को यहाँ शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और इन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ई डोजियर को अपलोड करने के लिए कहा गया है। जिनके भी मार्क्स इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग बनते हैं, आपका एग्जाम रहा था फ्रेंड्स ये 200 मार्क्स का। और यहाँ पर देखिए, जनरल कैटेगरी के हैं 91.50 और ओबीसी कैटेगरी के हैं 70.25, ये आपकी कट ऑफ यहाँ पर दे दी गई है। और फ्रेंड्स, ई डोजियर का लिंक आपका एक्टिव रहेगा 26 नवंबर 2021 से लेकर के 10 दिसंबर 2021 तक। ठीक है, कैंडिडेट अपने ई डोजियर को 10 दिसंबर 2021 तक अपलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट नोटिस आप देखिएगा, आज की ही डेट का ये भी नोटिस है, मेन रिजल्ट नोटिस नंबर है 813 और पोस्ट है फ्रेंड्स टेक्निकल असिस्टेंट फैशन डिजाइन और पोस्ट कोड है 116/20 इन डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इसका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ओबीसी कैटेगरी से 1 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है, रोल नंबर ये मेंशन कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से यहाँ पर कोई भी सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है एंड पीएचपीडी कैटेगरी से भी कोई सुटेबल कैंडिडेट या क्वालिफाइड कैंडिडेट यहाँ पर नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिसका रोल नंबर यहाँ दे दिया गया है, इन्हीं का सिलेक्शन किया गया है और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। और फ्रेंड्स, आप लोग यहां देखिएगा इसकी कट ऑफ क्या रही थी, वो भी दे दी गई है। ओबीसी कैंडिडेट है ये और इनकी कट ऑफ रही है 81। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी कैटेगरी से कोई सुटेबल कैंडिडेट यहां पर अवेलेबल नहीं था, वेटिंग पैनल लिस्ट भी नहीं बनाया जा सका है क्योंकि कोई कैंडिडेट यहां पर क्वालिफाई ही नहीं कर पाया है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट नोटिस आप लोग देख सकते हैं, आज की डेट का है ये भी, यहाँ पर नोटिस नंबर है 57, सब्जेक्ट है नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ईडोजियर फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पोस्ट कोड है 112/20। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा 8 सितंबर को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था, 425 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को दिया था और इसकी कट ऑफ जारी कर दी गई है। जो भी कैंडिडेट्स थे फ्रेंड्स, अपने मार्क्स वो DSSBOnline.NIC.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने मार्क्स देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं और कट ऑफ आप देख सकते हैं। कट ऑफ यहाँ पर आपकी बता दी गई है, जनरल कैटेगरी से है 106.25, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 95.50, ओबीसी कैटेगरी से 98.75, एससी कैटेगरी से 88.75, एसटी कैटेगरी से 71। तो फ्रेंड्स, ये आपकी यहाँ कट ऑफ दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, ईडोजियर आप कब तक अपलोड कर पाएंगे ये देख लीजिएगा, 15 दिन का समय आपको यहाँ दे दिया गया है, 26 नवंबर 2021 से लेकर के 10 दिसंबर 2021 तक आपका ई डोजियर का लिंक एक्टिव रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर ई डोजियर को अपलोड कर सकते हैं अगर आपके मार्क्स इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट नोटिस आप देख लीजिएगा, रिजल्ट नोटिस नंबर 1404 टेक्निकल असिस्टेंट ब्यूटी कल्चर का ये रिजल्ट है, पोस्ट कोड है 102/20। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिएगा, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन नो कैंडिडेट हैज बीन फाउंड सुटेबल इन ओबीसी कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट ब्यूटी कल्चर अंडर पोस्ट कोड 102/20। तो फ्रेंड्स, यहाँ से कोई भी सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाया हो। और फ्रेंड्स, आज का ये लास्ट नोटिस और देख लेते हैं, आज की ही डेट का नोटिस आप देख सकते हैं, ये है रिजेक्शन नोटिस नंबर 1405 टेक्निकल असिस्टेंट ब्यूटी कल्चर
पोस्ट कोड है 102/20। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए, ये कैंडिडेट है जिनके रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। किस वजह से रिजेक्ट किया गया है, रिमार्क्स में ये रीजन दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये दो कैंडिडेट है जिनके रोल नंबर यहाँ दे दिए गए हैं, और रीजन रिमार्क्स में आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने ईडोजियर को जो टाइम पीरियड था उसके अंदर अपलोड नहीं किया था, तो इस वजह से इनका कैंडिडेचर यहाँ पर रद्द कर दिया गया। तो ये एक रिजेक्शन नोटिस है। ओके फ्रेंड्स, तो आज DSSBK के द्वारा इतने सारे रिजल्ट नोटिस हमें देखने को मिले हैं, कहीं रिजेक्शन है, कहीं पर मोस्ट अर्जेंट नोटिस है। तो फ्रेंड्स आप सभी के साथ हमने ये सारे नोटिसेज आज के शेयर किए हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, और पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने सीटेट के लिए अप्लाई किया है या फिर UGC NET के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपका स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड कराते हैं, आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन करके देखेगा। आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।